पर इस तरह से आपको निचोड़ करके इसको अच्छा से गाड़ देना है। देखिए तो फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये TVS कंपनी का राइडर 125 सीसी बाइक है। अभी इस बाइक का एयर फिल्टर ओपन करने वाले, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहा था कि एयर फिल्टर किस तरह से हम लोग ओपन करें राइडर बाइक का। देखिए सबसे पहले एयर फिल्टर ओपन के लिए, तो फ्रेंड्स एयर फिल्टर ओपन करने के लिए आपको सीट को ओपन कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा। सीट नहीं ओपन करना चाहते तो भी एयर फिल्टर ओपन हो जाएगा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मैंने दोनों सीट ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे बात कर ले तो एक बोल्ट यहाँ पे लगा है जो स्क्रू ड्राइवर वाले बोल्ट लगा रहता है। यहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर से पचकस के मदद से इस बोल्ट को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इस कैप को आपको ओपन करना है, इसमें कोई भी स्क्रू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉक है। इस कैप को ओपन कीजिएगा, एक बोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्क्रू ड्राइवर वाले, उस बोल्ट को ओपन कीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे में, तो आगे से आपको एक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्क्रू आपको यहाँ पे मिल रहा है जो कि फ्रंट से, एक ये पेचकस वाले स्क्रू है, ये नॉर्मल आपको आसानी से लॉक है, ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर से एक पेच यहाँ लगा, इन सभी पेच को ओपन कीजिएगा तो नॉर्मली ये साइड पैनल है, खुल करके बाहर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, देखिए। और आपको पुश कर, तो फ्रेंड देखिए साइड पैनल ओपन हो गया। अब उसके बाद यहीं पर लगा है बाइक का एयर फिल्टर, ये जितना भी स्क्रू देख रहे हैं सभी स्क्रू का आप ओपन कीजिए तो बाइक का एयर फिल्टर खुल करके बाहर आ जाए। चलिए इसको हम फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी दिनों से एयर फिल्टर खुला नहीं है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एयर फिल्टर को, सभी बोल्ट को हमने प्रॉपर ओपन कर लिया। अब चलिए एयर फिल्टर को ओपन कर दें। यहाँ पे देखिए एयर फिल्टर कैप को ओपन किए, कुछ इस तरह से एयर फिल्टर बाइक का मिल रहा है जो कि बाइक के लेफ्ट साइड से एयर लेता है और उसके बाद यहाँ पे एयर क्लीन होकर के धूल मिट्टी यहाँ पे एडजस्ट कर देता है। उसके बाद स्वच्छ एयर इस थ्रोटल के अंदर होते हुए हेड में जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक फोम लगा है कुछ इस तरह से, उस फोम के अंदर में यहाँ पे देखिए फिल्टर है जो कुछ इस तरह का फिल्टर, देखिए फुल असेंबल है, TVS रेडियोन बाइक का फिल्टर है। इसको हम प्रॉपर एयर गन के मदद से अच्छा से क्लीन कर लेंगे, अगर ये ज़्यादा गंदा है तो इसको हम नया डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फोम लगा है, इस फोम को हम क्या करेंगे, पेट्रोल या डीजल के मदद से इसको प्रॉपर अच्छा से वॉश कर लेंगे, या नहीं तो आपके एयर गन है तो एयर गन से इसको प्रॉपर अच्छा से आप इसको ऊपर जो भी धूल है उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको पेट्रोल से वॉश करूँगा इस फोम फिल्टर को, और इसके ऊपर एयर का यूज करूँगा। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पेट्रोल डालते हैं, इसको प्रॉपर इस तरह से आपको निचोड़ करके इसको अच्छा से गाड़ देना है। देखिए इसके अंदर जो भी कचरा होगा बाहर निकल जाएगा। अब नॉर्मल आप प्रत्येक 2000 किलोमीटर पर एयर फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं, अगर ज़्यादा धूल मिट्टी वाले जगह है तो 1000 किलोमीटर पर फिल्टर को क्लीन कीजिएगा, तो आपका बाइक का माइलेज प्रॉपर सही रहेगा और आपका बाइक प्रॉपर रेस भी लेगा। ये नहीं कि प्रत्येक सर्विस टाइम ही कराना है, अगर आपके रास्ते को अगर धूल मिट्टी वाले रास्ता है तो उस टाइम आपको एयर फिल्टर को प्रत्येक 1000 किलोमीटर पर ही क्लीन करना है, अन्यथा तो प्रत्येक सर्विस में क्लीन होता ही है। चलिए हम इसको साइड में रख लेते हैं। आप अब इस फिल्टर को पेट्रोल से वॉश आपको बिल्कुल नहीं करना, इसके अंदर एयर का यूज। अब चलिए एयर गन की मदद से जो रिमूव कर देंगे, देखिए कितना धुला निकल रहा है फिल्टर के अंदर से। उसके बाद इस तरफ से भी आपको क्लीन करना है, दोनों तरफ से आपको प्रॉपर एयर गन की मदद से अच्छा से इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करना है, उसके बाद इस प्रॉपर एयर से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फ्रेश टॉवल से क्लीन करेंगे। टोटल पार्ट को प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया, इस फिल्टर को इस तरह से हम सेटिंग करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर ये फोम मिल रहा है, इस फोम को यहाँ पर रख देंगे, फोम सेटिंग कर लिए। अब उसके बाद इसके ऊपर जो कैप लगा है, इस कैप को यहाँ पर हम इस तरह सेटिंग करेंगे। अब चलिए सभी पेज को हम आस्ते आस्ते से यहाँ पर टेंट कर लेते हैं। एयर फिल्टर का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ, साइड पैनल को हमने यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर लिए हैं। तो इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब भी आप सर्विस करवाते हैं उस टाइम सर्विस लाइट यहाँ पर जो एक बिलिंग करते रहता है, देखिए यहाँ पे सर्विस लाइट बिलिंग करते रहते हैं। सर्विस लाइट को कैसे ऑफ करना है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो, सर्विस लाइट को खुद से ऑफ कर सकते हैं।